उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जिसका मफहूम है कि मैं एक ऊँट पे सवार थी। वो ऊँट ना कुछ सरकश था। फरमाती, मैंने उसको ना कुछ सज़ा देना चाहिए, उसको को मारने का इरादा किया। तो हुज़ूर नबी करीम अलैहि सलाम ने मुझे इरशाद फरमाया, ऐ आयशा, नरमी इख्तियार करो। ऐ आयशा, नरमी इख्तियार करो, क्योंकि ये जिस चीज़ से निकल जाती है उसका हुस्न ख़त्म कर देती है, और जिस चीज़ में ये होती है ये उसके हुस्न को और बढ़ा देती है। इसलिए हज़रत, हमें आज दीन नहीं आता, हमें दीन नहीं आता। आज को हमारे प्रोग्राम थे और शदीद धुंध थी कि हद नज़र सिफर थी, हज़रत कुछ नज़र नहीं आ रहा था। हमने प्रोग्राम वालों से कहा, हज़रत जी ज़िंदगी बड़ी कीमती चीज़ है, तो माफ़ी दे दें फिर सही जा। लेकिन ना, टाइम देने तो पहले सोचना सी। अल्लाह हज़रत, सड़कें खाली थी, को बेचारा वही निकला था जो हमारी तरह बड़ा मजबूर था, बाकी कोई भी नहीं था। हुज़ूर क्या फरमाते हैं, आयशा, नरमी अख्तियार कर। नहीं हज़रत जी, माफल तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जिक्र का नाम है, कि सुलेमान का नाम माफल है। इसलिए हज़रत जी, दीन सीखो, हमें दीन नहीं आता। अल्लाह, उसूली तौर पे होना चाहिए, चाहिए था कि मौसम के ये तेवर देखे, माफल वाले खुद ही हमें कहते हैं, हज़रत आपने बड़ी दूर से आना है, बड़ी धुंध है, ज़िंदगी बड़ी कीमती चीज़ है, माफल फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब नहीं है, एक मुस्तहब अमल है, खुदा न खास्ता रास्ते में कोई हादसा हो जाए, जान चली जाए तो कोई नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ज़िंदगी दे, हम तिलावत भी कर लेंगे, नाशी भी पढ़ लेंगे, जो हमारे मुकामी आलम दीन है वो को थोड़ा सा बयां भी कर देंगे, तो आप ना आए। लेकिन हमने जिस जिस को कहा ना, उन्हें कहा ना, टाइम देता था हूँ, भावें मरो तो भावें जीवो पहुँचो। इसलिए पुत्र, मैं बस आपको इतना कहूँगा, दीन सीखो और नरमियाँ बांटो। मेरे नबी अलैहिस्सलाम का जो दीन है वो मोहब्बत, और इसीलिए तो मैं कहता हूँ हज़रत जी, तकरीबन 75 साल हो गए पाकिस्तान बने होने को हैं। अलाउ इन्हें चाहिए था कि हमारा किरदार देख के ना पाकिस्तान में जितने ईसाई हैं सारे मुसलमान हो जाते। अलाउ ने ये चाहिए था कि इन 75 सालों में हमारा किरदार देख के ना पाकिस्तान में जितने हिंदू बस रहे हैं सारे मुसलमान हो जाते। और किए हैं हमारे बड़ों ने, मैं को आपको कोई कोई रांझा नहीं सुना रहा, किए हैं। और हज़रत जी, मेरी बात याद रखना, तलवार से आप मुल्क तो फतह कर सकते हैं, दिल नहीं फतह कर सकते। मैं को तलवार का इनकार, जब इंशाल्लाह तलवार उठाने की कभी बारी आई तो फिर आपको बताएंगे हमें तलवार भी उठानी आती है। अगर कभी तलवार उठाने का वक्त आया ना, ये तो नहीं ना हज़रत को जैद बकर उठ के जिहाद का ऐलान कर दे, तो हम नहीं, जो जिहाद की शरायत हैं वो पाई जाएँ तो इंशाल्लाह फिर हम आपको बताएँगे कि हमें तलवार उठानी नहीं, चलानी भी आती है अल्लाह के फज़ल से, ठीक है। लेकिन पुत्र, अपनों तो नहीं ना उठाते हैं हमारे, आप तलवार से मुल्क फतह कर लेंगे, आप तलवार से दिल फतह नहीं कर सकेंगे। इधर दिल किरदार से फतह होंगे, इधर दिल किरदार से फतह होंगे। हज़रत बायजीद बुस्तामी अलैहि रहमान, लिखा है कि आपका हमसाया मजूसी था, आतश परस्त था वो, क्योंकि हज़रत का तो मामूल था आप सारी रात नफल अदा फरमाया करते थे अपने सेन में ना, हज़रत आप क़याम फरमाया करते। वो एक रात हुआ इस तरह कि हमसाये के घर से ना मुसलसल बच्चे के रोने की आवाज़ आती रही। रात को तो आपने जाना मुनासिब नहीं समझा, सुबह ज़रा थोड़ी गहमा गहमी हुई तो आपने दरवाजे पे दस्तक दे दी। अब अंदर से एक बापर्दा खातून ने दरवाज़ा खोला, आपने कहा सारी रात घर से बच्चे के रोने की आवाज़ आती रही है, खैर तो है? उसने कहा मेरा खावन तिजारत पर गया हुआ है, लेट हो गया, उसकी गैर मौजूदगी में मेरे घर बच्चा पैदा हुआ है। अब वो जो पैसे दे के गया था वो ख़त्म हो गए, कितने दिनों से मैं भी भूखी हूँ,
मेरे भूखे होने की वजह से अब सीने में दूध का एक कतरा भी नहीं। और आज रात को तो नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि हमारे घर में दिए में तेल डालने को भी नहीं था। बच्चा भूखा भी था, घर में अंधेरा भी था, बच्चा सारी रात रोता रहा। आप तड़प गए, बायजीद तू सारी रात नफल पढ़ता रहा, और साथ वाले घर में ये हाल था कि ना रोशनी थी और ना कुछ खाने को था। माँ भी भूखी थी, बच्चा भी भूखा था। तू कल जाके अल्लाह और अल्लाह के रसूल को क्या मुंह दिखाएगा। अब उसी वक्त बाजार गए, सौदा सल्फ खरीदा, जो ज़रूरत की अशिया थी सारी ला के दी। कहा मैं भी ध्यान रखूँगा, अगर तुझे भी कभी ज़रूरत पड़े तो तू मुझे इत्तला कर देना, मैं ख्याल रखूँगा। मुख्तसर उसका खामद वापस आ गया, ज़ाहिर उसको भी पता था मैं लेट हूँ। उसने सबसे पहले आते सवाल ये किया कि पीछे से परेशानी तो नहीं हुई। उसने कहा बस एक दिन बड़ी हुई, फिर उसके बाद कोई नहीं हुई है। उसने कहा एक दिन क्या हुआ? उसने कहा जो पैसे दे के गए थे ख़त्म हो गए, मैं भी भूखी थी, सीने में दूध भी कोई नहीं था, बच्चा भी भूखा था। उस रात तो ये हुआ कि जो दिया था उसमें तेल डालने को भी तेल मौजूद नहीं था, बच्चा सारी रात भूख और अंधेरे से रोता रहा। जो हमारे साथ रहते हैं ना बायजीद मुसलमान, सुबह होते उन्होंने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी, बच्चे के रोने की वजह पूछी, मैंने आपका ना आना बता दिया, बच्चे का भूखा होना बता दिया, दिए में तेल का होना ना बता दिया। उसी वक्त बाजार गए, सारा कुछ खरीदा, ला के मुझे दिया और कह के गए अगर फिर को परेशानी हो तो बताना, और वो ही खबर लेते रहे मेरी। अब वो कहता है बाकी काम तो बाद में करूँगा, चलो पहले मैं ज़रा जाके हज़रत बायजीद का शुक्रिया अदा कर लूँ। वो आपका शुक्रिया अदा करने आया, हज़रत मैं आपका हमसाया हूँ, आपने बड़ी शफकत फरमाई मेरी गैर मौजूदगी में, तो मेरा शुक्रिया कबूल फरमा ले। अब आगे से फरमाने लगे भाई तू शुक्रिया छोड़, बस ये मुझे बता वो जो सारी रात बच्चा रोता रहा उस पर तूने मुझे माफ़ कर दिया है? हाँ पता। इस तरह इस्लाम फैला है, इस तरह इस्लाम फैला है। जिस तरह हम फैलाने निकले हैं इस तरह नहीं फैलेगा, इस तरह इस्लाम फैला है। वो आगे से हैरान हो के अर्ज करता है हज़रत मैं आपका शुक्रिया अदा करने हूँ, आप ऐसी बातें कर रहे हैं? आपने फरमाया नहीं, हमने जिनसे दीन सीखा और उन्होंने जिनसे सीखा उनको सहाबा कहते हैं। और सहाबा रिदवानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन बयान करते हैं कि हुजूर नबी करीम अलैहि सलातो सलाम हमसाए के लिए इतनी ताकीद फरमाया करते थे कि हमें गुमान हो गया था कि हुजूर नबी अलैहि सलाम हमसाए को वरासत में शरीक ना कर दें। रखो हमसाए का ध्यान, रखो हमसाए का ध्यान। और यहाँ ये हालत थी, बायजीद नफल पढ़ रहा था और छोटा बच्चा भूख और अंधेरे से रोता रहा। तू शुक्रिया को छोड़, बस ये बता तूने मुझे माफ़ कर दिया। आगे से फिर वो मजूसी कहता है हज़रत आप भी फिर माफ़ी को छोड़ें और कलमिया पढ़ा के ना मुझे सोने दीन में दाखिल कर लें। फरमाया आयशा नरमी इख्तियार करो, आयशा नरमी इख्तियार करो, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नरमी इख्तियार करो। पुत्र गलती बंदे से ही होती, हो जाए तो माफ़ी मांग लो, लेकिन गलती होने का ये मतलब नहीं कि बंदा रुक ही जाए, नहीं चलते रहो। गलतियाँ होंगी, बस जहाँ हो वहाँ माफ़ी मांग लेना और चलते रहना। मट्ठी मट्ठी चाल ना छड़ी, लोगों की बातों से कभी दिल छोटा ना करना। हमें तो सिर्फ बातें होती हैं ना, हमारे महबूब के रास्ते में तो कांटे भी बिछाए गए थे, आप पे तो दुरान नमाज ऊँट की ओजरी भी रखी गई थी। लोगों की बातों से दिल छोटा नहीं करना, इनका काम ही बातें करना है। अंदर मट्ठी मट्ठी चाल ना छड़ी, मट्ठी मट्ठी चाल ना छड़ी, कुछ ना कुछ बन जासी, आखिर एक दिहाड़े नफ्स कमीना मैदानू नस जासी। हैं इनका काम ही है, तू चलता रहना, तू चलते, इनका काम ही है, इनका काम ही है, तू चलते रहना, चलते रहना, बस तू चलते रहना, तू चलते रहना है। और इस वक्त तदरे की ज़रूरत है पाकिस्तान को कि वो जो हुजूर नबी अलैहि सलाम का दीन है ना वो फैलाया जाए, साढ़े वाला नहीं, हुजूर का दीन जो है, जो हज़रत अबू बकर वाला दीन है, जो हज़रत उमर वाला दीन है, जो हज़रत उस्मान वाला दीन है, जो मौला मुश्किल कुशा वाला दीन है, जो हज़रत हसनैन करीम वाला दीन है, उसको फैलाया जाए, उसको फैलाया जाए।
लेकिन पुत्र फैलाएंगे तो तब ना जब उसको खुद सीखेंगे। इसको सीखो हजरत जी, फैलाओ हजरत जी। आज आज दीन नहीं आता, आज बेयकीनी है। अब सौदा करो अपने अल्लाह से। ये लिखा है माए जनाबे सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने लिखा है, मदीना में ना कुछ माहौल इस तरह का बन गया कि थोड़ी कहत की सूरत इख्तियार कर ली माहौल। खाने को कुछ नहीं था। जनाबे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने खलीफा थे उस वक़्त, सारे आले मदीना आपकी खिदमत में हाजिर हुए हजरत। अब तो खाने को भी कुछ नहीं रहा। आपने फरमाया इंशाल्लाह रात तक अल्लाह खाने पीने का बंदोबस्त कर देगा हजरत। वो लिखा है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने कि ऊँट ना ये सामान तजारत लेके शाम गए हुए थे। जब मदीना पाक में इस तरह की कैफियत हुई ना तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने ऊँट वापस बुलवा लिए, उनको शाम नहीं जाने दिया, उनको मदीना पाक वापस बुला लिया हजरत। वो जब ऊँट वापस आए ना तो जो ताजिर थे ना वो सारे हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के पास आए, क्योंकि उनको पता था कैद पड़ा हुआ है, गल्ला है कोई नहीं, हम उस्मान गनी से ख़रीद लेंगे और फिर इसको कई गुना महंगा करके बेचेंगे, जैसे हम रमज़ान का इंतज़ार करते हैं। है वो आलू जड़े रमज़ान तो पहले 40 रुपये किलो होंगे ने, रमज़ान च 140 हो जाते हैं। और दुख की बात यह है कि हजरत जी वही 40 वाले आलू 140 जो बेच रहा है उसने 7 आज भी कई हुए हैं। वो पता लगता है साल में हर साल बड़ी महफल भी करवाता है हजरत। दुख की बात ये है हम अल्लाह को भी, अब मैं इस पर पता नहीं क्या लफ्ज़ बोलूँ हजरत, हम अल्लाह को भी दाव लगा रहे हैं। वो जो उसने रमज़ान में 40 वाले टमाटर 140 बेचे ना, वो कहता है मैंने हज कल के वो क्लियर कर लिया। वो समझता है मैंने वो जो बड़ी सी महफल करवाई ना मैंने वो करवा के क्लियर कहा। नहीं मैम भाई जी, इस तरह क्लियर नहीं होता है, इस तरह नहीं क्लियर होता है। वो सारे जो ताजर थे ना वो हजरत उस्मान गनी के पास आए और आके कहते हैं हजरत ये जो आपका माल आया वापस शाम से इसे हमें बेच दे। आपने फरमाया कितने में खरीदोगे? उन्होंने कहा हुजूर 2% पे। आपने फरमाया नहीं। उन्होंने कहा हजरत 3। आपने फरमाया नहीं। हजरत 4। आपने फरमाया नहीं। हजरत 5। आपने फरमाया नहीं। उन्होंने कहा हजरत फिर कितने में बेचेंगे? आपने फरमाया मैं उसको बेचूंगा जो 10% दे। वो आगे से ताजर कहते हैं हजरत 10% कौन देगा? कोई भी नहीं देगा। आपने फरमाया तुम्हें कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह कहते हैं फलाहु अशरु अमसालेहा, तुम 1-2 मैं 10 दूंगा। तुम्हें 1-2 मैं 10 दूंगा। मैंने ये सौदा अपने अल्लाह से कर दिया। वो लिखा कि आपने मदीना पाक खड़ा होकर ऐलान किया। आपने फरमाया ऐ मेरे महबूब के उम्मतियो आओ, ये मैंने बेचने के लिए नहीं मंगवाया, ये मैंने अपने अल्लाह के लिए, आओ जिस जिसका जो दिल करता है उठा के ले जाओ। अदर तो करो 10% वाला सौदा, इतना नफा कोई नहीं देगा आप। और ये 10 उसके लिए है जिसकी नीयत में बड़ा जोफ था, बाकी तो 70 भी है जी, बाकी तो बगैर हिसाब भी है। ये तो को मेरे जैसा है ना, बड़ा कमजोर था, उसके लिए फला हूं 70% भी है, फिर उससे और बढ़ेगा अदर, बेहिसाब दिया जाएगा। करो अदर जी अपने अल्लाह से, और कभी वो घाटे का सौदा नहीं होगा। लो लगाओ अपने अल्लाह से, लो लगाओ अपने अल्लाह से। ये हजरत सैयदना मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ताला, हम तो हजरत जी छोटी सी बात होती है अपने रब का दर छोड़ देते हैं, बड़ी बड़ी भी हो जाए फिर भी ना छोड़ना, बड़ी से बड़ी भी हो जाए फिर भी ना छोड़ना हजरत जी, छोड़ना ना कभी ये दर। ये जो हो रही है इसमें भी को हमारा भला है, जो हो रही है इसमें भी कोई हमारा ही भला है जी। इस माँ का दिल करता है अपने बच्चे को कड़वी दवा पिलाने को, लेकिन बाज़ दफ़ा मजबूरी हो जाती है पिलाना है, बाज़ दफ़ा हमने कुछ कर दिया होता है कि फिर वो हमारे लिए वही बेहतर होता है। अल्लाह के हर काम में हिकमतें पोशीदा हैं। वो हज़रत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं अल्लाह ने फजल किया और मुझे मुतवातर 14 साल हज की शहादत उज़्मा से सरफराज किया। बड़े नसीबों वाले लोग थे जी। अफरमत मैंने, और ये आज भी हजरत मालिक बिन दिनार का हमारा नहीं हजरत जी, हम तो लाख हज भी कर लें तो मालिक बिन दिनार के एक हज को नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हजरत मालिक बिन दिनार के लिए लिखा है जब ये पहली बार हज को गए ना तो सवारी पे नहीं बैठे, पैदल गए हजरत। वो सवारी मौजूद थी, अब पैदल गए। किसी ने सवाल किया हजरत जी बड़ा लंबा सफ़र है तो सवारी पे बैठ के जाएं, पैदल क्यों जा रहे हैं?
आपने फरमाया ओए अल्लाह के बंदे मुझे ये तो बता, अगर भागा हुआ गुलाम अपने मालिक की बारगाह में सुलह करने जाए तो उसको पैदल जाना चाहिए कि सवार होके जाना चाहिए? हैं, ये मालिक बिन दिनार के आज थे हजरत जी, हमारा आज कोई नहीं, ये मालिक बिन दिनार का आज था हजरत जी। और आप फरमाते हैं अल्लाह ने कर्म किया, मैंने 14 साल मुतवातर अल्लाह ने मुझे नवाजा हजरत जी। फरमाते हैं हर साल जब मैं हज करता ना और बैतुल्लाह के वो दरवाजे को पकड़ के जब मैं कहता ना लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह मैं हाजिर हूँ, लब्बैक मैं हाजिर हूँ, अल्लाहुम्मा लब्बैक या मेरे अल्लाह मैं हाजिर हूँ। तो आप फरमाते मेरे साथ एक दरवेश था, जब वो भी पकड़ता ना और कहता लब्बैक तो उसको आगे से आवाज आती ला लब्बैक। फरमाते 14 हज हमने इकट्ठे किए, फरमाते हर साल ये आवाज आती। फरमाते जब 14वां हज कर लिया ना, 14वां साल पूरा हुआ तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा ए वो दुर्वेश तू बहरा तो नहीं? उसने कही मैं सुन रहा हूँ सारा कुछ। और फरमाते मैंने कहा फिर क्यों आ जाता है हर साल? तू कहते हैं लब भाई, वो कहते हैं ला लब भाई, फिर क्यों आ जाता है हर साल? तो फरमाते मुझे आगे से कहता है मालिक अगर मेरी उम्र 14 साल के बजाय 14,000 साल हो, और अब तो साल में एक बार सिर्फ आवाज़ आती है ना ला लब्बैक, अगर हर साल ये हर रोज़ ये आवाज़ 1,000 बार आए कि ला लब्बैक, मैं फिर भी उसके दरवाजे से सर नहीं उठाऊंगा। हैं, इसको कहते हैं बंदगी हजरत। हैं, हाँ जी बोल, हुज़ूर बोले शान इशारा नहीं दिया। फरमाते राती जागे शायक सदावे, राती जागण कुत्ते तैकण उत्ते, कोई इसको कमाल ना जान लेना, सारी राती जागते रहते डीहां वंज रूड़ियां ते सुते तैकण उत्ते, दर मालिक दा मूल ना छड़ दे पावे मारे 100-100 जुत्ते तैकण उत्ते। कहा ये तो अभी अभी साल में एक बार आवाज आती है ना लाल भाई, अगर मेरी उम्र 14 साल नहीं 14,000 साल हो और साल में एक बार नहीं हर रोज ये 1,000 बार आगे से आवाज आए ला लब्बैक ला लब्बैक ला, मैं फिर भी उसका दरवाजा नहीं छोड़ूंगा। और बंदे को ना भी इसी तरह चाहिए, जाओगे कहां छोड़ के जी? है को ऐसा 70 माओं से बढ़ के प्यार करने वाला? है को ऐसा अबों पे पर्दे डालने वाला? मुझे तो दुख होता है तुम माओं को याद कर करके रोते हो, अरे उसको नहीं याद करते, 70 माओं का प्यार जमा कर लिया जाए फिर भी उसका प्यार नहीं बनता। हां जी, राती जागे शैख सदावे, राती जागण कुत्ते तैकण उत्ते, दर मालिक दा मूल ना छड़ दे पावे मारन 100-100 जुत्ते तैकण उत्ते, सारी राती जागदे रहंदे डीहां वंज रूड़ियां ते सुत्ते तैकण उत्ते, उठ बुलिया उन यार मना लै नी ते बाजी लै गए कुत्ते तैकण उत्ते। ये दर नहीं छोड़ना कभी, वो करीम है। हज़रत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं उसकी मेरी गुफ्तगू हो रही थी तो आसमान से एक पर्चा गिरा उसके सीने पे, एक कागज़, उसने वो कागज़ उठा के मुझे दे दिया। तो उस कागज़ पे लिखा था ऐ मालिक मेरे बंदे को मुझसे दूर करता है कि मैंने इसके 14 साल के हज कबूल नहीं किए। और मालिक सुन, ये नहीं कि मैंने इसके 14 साल के हज नहीं कबूल किए, बल्कि इन 14 सालों में जितने हाजी आए उनके हज भी इसी की वजह से कबूल किए हैं, ताकि कोई मेरी बारगाह से आया हुआ खाली ना जाए। वो अल्लाह है इधर। वो पुत्र वखरी बात है कि हम ड्यूटी हमारी यही थी तुम्हें बताना कि अल्लाह क्या है, लेकिन दुख ये है कि हम अपनी अपनी दुकानें सजा बैठे। तुम्हें अल्लाह का रास्ता बताना था, हम खुद ही तुम्हारे अल्लाह बन गए। हमने तुमसे तुम्हें अल्लाह की इबादत की दावत देनी थी, हमने अपनी शुरू करवा ली है, हो रही है। अब इससे मैं जरा को थोड़ा आगे नहीं बोल सकता, नहीं पता। मनु उस दिन वो कराची एक मुरीद है, उसका मुझे फ़ोन आया हजरत साहब मैं एक मामले च बड़ा परेशान सा, मैंने सब तो पहले तुसी याद आए, मैं पुत्र तू ही गया तो मैं भी गया मैं फेल हो गया। मैंने कहा नहीं हजरत फेल किस तरह हो गया, मैंने तुसी याद आए, मैंने पुत्र तुसी नहीं याद आने चाहिए सानू, वो याद आना चाहिए वो याद आना चाहिए, मैं फेल हो गया। मुरीद भी फेल हो गया, पीर भी फेल हो गया, मैं नहीं याद आना चाहिए था पुत्र, वो याद आना चाहिए था। हाँ पुत्र
वो याद आना चाहिए था। फेल हो गया, पीर भी फेल हो गया, मुरीद भी फेल हो गया, वो याद आना है। पीर नाकाम हुआ, सुलेमान मिसबाही नाकाम हो गया, कि मैं उसकी इतनी तरबियत नहीं कर सका, मैं उसको क्यों याद आया, वो याद आना चाहिए था। अपने अल्लाह से लो, पुत्र हम रास्ता हैं, हम जरिया हैं, हम वसीला हैं, मकसद वो है। मैं मकसद नहीं हूँ, पीर मकसद नहीं है, पीर रास्ता है, पीर जरिया है, पीर वसीला है, मकसद वो है, मकसद वो है। मैंने कहा भाई कराची वाले तू भी फेल हो गया, पीर साहब भी फेल हो गए, वो याद आना चाहिए, वो याद है। अपने अल्लाह से लो लगाओ, पांच वक्त की नमाज पढ़ो, नरमी इख्तियार करो, ठीक है जी, अपने वालिदैन की खिदमत करो, हलाल खाओ, गुरूर और तकबर से बचो और अच्छा सोचो। अल्लाह आप सबको सलामत रखे।